वेलकम टू जीएसआई लर्निंग। आज हम क्लास 12 का अकाउंटेंसी का रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेशंस करनी होती है। रिटायरिंग पार्टनर, अभी डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा, पहले रिटायरिंग, ठीक है। रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जितने पार्टनर्स हैं उनमें से एक लीव करके जा रहा है, दैट इज ही इज लीविंग द फर्म, ही इज बीइंग रिटायर्ड। तो जब वो रिटायर करेगा तो वो सारा अमाउंट, जैसे कि किसी का रिटायरमेंट होता है तो उसको प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा लमसम अमाउंट मिल जाता है। एंड द पर्सन हैज देन नो कनेक्शन विद द कंसर्न जिसमें वो जॉब कर रहा था। द सेम थिंग ओवर हियर, जो पार्टनर रिटायर होगा तो उसको आप क्या देंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसका जो कैपिटल का बैलेंस बचेगा, रिजर्व्स वगैरह जो है, उसका गुडविल कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, उसको सब कुछ मिल जाएगा। अब वो छोड़ के क्या जाएगा, तो वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा। अब देखिए, हिस्से में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या मतलब है। जैसे हम कहें कि अगर वो 25% का शेयर होल्डर था, मतलब 25% का प्रॉफिट का उसका राइट था, उसको 25% मिलता था, तो वो 25% का अमाउंट जो उस मोमेंट पे हुआ वो तो वो ले जाएगा, लेकिन वो 25% वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। भाई 100% टोटल होता है। अगर हम माने कि 4 पार्टनर्स हैं एंड दैट इज ईच वन इज सपोज हैविंग द रेशियो ऑफ 25%, अगर 25% 25% 25% 25% 100% हो गया। एक पार्टनर अगर रिटायर हो जाएगा तो तीनों में तो 75% रह गए, तो वो 25% की फिगर तो वो छोड़ गया, मतलब फ्यूचर में उसके जाने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें जो उसको 25% पहले मिलता था अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो अब जा चुका है। तो वो जो फ्रैक्शन है जो न्यू प्रॉफिट पे उस वो परसेंटेज निकलेगी वो किसको मिलेगी, अब रिमेनिंग पार्टनर्स को उनके गेनिंग रेशियो में। तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे हम आपको मैंने पीछे एडमिशन में सारे वीडियोस में समझाया था क्या क्या हमें कैलकुलेशन करनी होती है, तो सेम वे रिटायरमेंट में सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए और गेनिंग रेशियो। अब यहां सेक्रीफाइस की बात नहीं है, गेनिंग वो दे के जा रहा है अपना पोर्शन फ्रैक्शन में, रुपीज में नहीं। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल की हम कैलकुलेशन करेंगे जो कि गेनिंग पार्टनर्स उसका शेयर उसको देंगे, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में उनको वो अमाउंट मिलेगा जो अभी तक इसको मिलता था, तो इसलिए वो गुडविल देंगे इन द गेनिंग रेशियो। वहां सेक्रीफाइसिंग का कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक आ रहा था और यहाँ एक जा रहा है तो वो कुछ छोड़ के जा रहा है, तो गेनिंग कॉन्सेप्ट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रिपरेशन होगी बिल्कुल सेम फॉर्मेट में जैसे हमने एडमिशन में सीखी थी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगी, यानी रिटायरिंग को भी मिलेगी क्योंकि वो ओल्ड है तभी तो रिटायर हो रहा है। ओल्ड का मतलब बुजुर्ग से नहीं है, ओल्ड का मतलब वो कंटिन्यू कर रहा था। डिस्ट्रीब्यूटिंग क्रेडिटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग कह दीजिए या क्रेडिट करेंगे जितने भी रिजर्व्स, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, आपको बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें लाइबिलिटी साइड जितने भी रिजर्व्स होंगे, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, वो सब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो कॉन्सेप्ट में क्रेडिट होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी ओल्ड वाले को भी मिलेगा। ओल्ड रेशियो जब भी हम कहें तो ओल्ड को मिलेगा क्योंकि ओल्ड रेशियो उसका है, अब वो रिटायर अब हो रहा है तो पहले का उसका ओल्ड रेशियो तो नेचुरल है कि होगा। सेम वे उसी बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें असेट साइड पे जो लॉसेस होंगे, जो एक्यूमुलेटेड जितने भी, जैसे P&L हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया एक्सेट्रा, वो सब आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डेबिट करनी है। इसी कॉन्सेप्ट में ये भी समझ लीजिए कि गुडविल अगर असेट साइड पे गिवन है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स हैव टू बी रिटन ऑफ, वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। अगर गुडविल आपको असेट साइड पे गिवन है इन द गिवन बैलेंस शीट, वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी, दैट इज टू गुडविल करके ओल्ड रेशियो में बटेगी। फिर इसके बाद में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसमें रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, तभी पता चलेगा उसका कितना बैलेंस ड्यू है, दैट वी हैव टू गिव। देन प्रिपरेशन ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट, ये कैश और बैंक अकाउंट मैंने लिखा है इसमें इफ, व्हाई इफ, इफ का मतलब है अगर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको आप जो उसका बैलेंस निकल के आ रहा है इन द कैपिटल अकाउंट, इफ यू आर पेइंग दैट पर्सन,
ओके अगर आप उसको हार्ड फॉर्म में दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, कोई ड्यू बेस, कोई लोन बेस नहीं रख रहे हैं, चाहे फुल अमाउंट जितना उसका बनता है या उसका कुछ पोर्शन दे रहे हैं, ओनली इन दैट केस यू नीड टू प्रिपेयर कैश और बैंक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. अदरवाइज देर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश और बैंक. दैट इज कैश और बैंक की कोई ट्रांजेक्शन हो पूरे क्वेश्चन में, इफ इट इज बींग अफेक्टेड, बींग इंक्रीज और डिक्रीज इन एनी वे, ओनली देन देर इज अ नीड टू प्रिपेयर कैश और बैंक अकाउंट, एल्स देर इज नो नीड टू प्रिपेयर इट. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट विल बी बैलेंस शीट. In the balance sheet, remember that the partners who are continuing in the firm, their account, their amount of balance will be shown in the capital account. But the partner who is retiring, I'm repeating, the partner who is retiring, if he has been paid, agar aapne usko payment kar diya, nothing will be shown in the balance sheet regarding that partner. But if his amount is due, then loan with the name of loan account, suppose C is retiring, so C's loan account with this name, his balance will be shown on the liability side. Okay, now after understanding what the main points we have to deal with, the first topic we will start, that is calculation of new profit sharing ratio. फर्स्ट कंडीशन इसमें लेते हैं, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स, एक सिंगल पार्टनर, अ पार्टनर मतलब क्या हुआ, सिंगल पार्टनर, और हम सिंगल की ही बात कर रहे हैं, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. सी आई हैव अंडरलाइंड इट, इट इज नॉट गिवन. और क्लैरिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन. A, B, C were partners sharing profit and losses in the ratio 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new profit sharing ratio of the remaining partners. Why remaining? Because when the partner who is being retired, he is going to leave the firm. So now there is no need to calculate any kind of ratio with concern with that partner. You have to calculate the new profit sharing ratio of the remaining partners if three conditions, I have taken it in three conditions to clarify you with deeply. First, अगर हम ये माने कि A retire हो रहा है, second condition में हम ये मान रहे A है लेकिन B retire हो रहा है, and third condition we are assuming that A and B will continue but C is retiring. See, first we see the A, B, C three partners, their ratio is 1/2, 2/5, 1/10. As we can see, the denominator is different in all the three fractions, so we have to take LCM. When we will take the LCM of 2, 5 and 10, first we'll divide by 2, so we will get 1,55, then we'll divide by 5, so we get 5 to the 10. Then the ratio becomes 5-4-1. Now we see that ABC, their ratio is 5-4-1. The first condition says A retire. A retire, whichever partner is being retired, circle the partner along with his ratio. So A has been circled. What is the remaining? 4:1. This becomes the new ratio of B and C. Why not of A? Because A is already leaving us. So now there is no need to calculate any ratio of A. Same concept, we go further. Suppose B retires. Now we see old ratio is 5-4-1. Who retires? B. Circle B along with the fraction. The remaining is 5:1. So new ratio of A and C is 5:1. This condition is going to apply when new profit sharing ratio of the remaining partners is not given in the question. Okay? Thank you.